नमस्कार दोस्तों, ए मिस्ट्री एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी वीरांगना की है जो अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए मात्र 21 साल की उम्र में शहीद हो गई, मगर इस शहादत ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबाए। ये कहानी है प्रीतिलता वादेदार की। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश को स्वतंत्र कराने में हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी, लेकिन ये विडम्बना ही है कि इतिहास के पन्नों में उन लोगों को जगह नहीं मिली। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी क्रांतिकारी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सबसे कम उम्र में अपनी जान अपने देश की खातिर निछावर कर दी थी। दोस्तों, आज से करीब 85 साल पहले 1932 में महज 21 साल की उम्र में एक लड़की ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए जान दे दी थी। उनका नाम था प्रीतिलता वादेदार। दोस्तों, प्रीतिलता वादेदार का जन्म बंगाल के चिटगांव में एक ब्राह्मण परिवार में साल 1911 में हुआ था। वे बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी। 1930 में उन्होंने फिलोसफी से ग्रेजुएशन किया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रीतिलता वादेदार ने चिटगांव के ही एक लोकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में हेडमिस्ट्रेस की नौकरी कर ली। लेकिन उनके मन में तो अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ करने का जुनून सवार था और उनके कान में तो हमेशा झांसी की रानी के किस्से ही गूंजते रहते थे। इसी दौरान वे 1932 के आसपास मास्टर सूर्यसेन से मिली। उस समय सूर्यसेन क्रांति के पराये बन चुके थे और ब्रिटिश सेना से उनके शस्त्र लूटने के उनके किस्से लोगों की जुबान पर थे। दोस्तों, सूर्यसेन से मिलने के बाद वे उनके आंदोलन में सक्रिय हो गई। हालांकि महिला होने की वजह से लोगों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन उनके मन में तो देशभक्ति उमड़ रही थी। दोस्तों, इस तरह वे क्रांतिकारी दल की सदस्य बन गई। उन्होंने क्रांतिकारी दल के साथ मिलकर कई कारनामे किए, जैसे टेलीग्राफ ऑफिस हमला, रिजर्व पुलिस लाइन में कब्जा जैसे कामों में सबसे आगे रही। दोस्तों, जलालाबाद के क्रांतिकारी हमले के दौरान उन्होंने खुद विस्फोटक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। दोस्तों, यूरोपियन क्लब पर हमले के लिए प्रीतिलता वादेदार को जिम्मेदारी दी गई। हमले के लिए 23 सितंबर 1932 का दिन चुना गया। हमले के लिए चुने गए सभी क्रांतिकारियों को पोटेशियम साइनाइड दिया गया ताकि कोई भी जिंदा गिरफ्तार नहीं हो सके। दोस्तों, प्रीतिलता ने हमले के लिए पंजाबी मर्द की वेशभूषा धारण की। 23 सितंबर को इन लोगों ने सुबह 11 बजे क्लब पर हमला बोल दिया। दोस्तों, हमले के वक्त क्लब में 40 अंग्रेज अफसर और पुलिस वाले मौजूद थे। आग की चपेट से पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली प्रीतिलता को लग गई। दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने उनको घेर लिया, लेकिन प्रीतिलता वालेदार ने गिरफ्तार होने के बजाय एक पल सोचे बिना बेझिझक होकर साइनाइड का कैप्सूल निकल लिया और पुलिस को केवल उनकी डेड बॉडी मिली। दोस्तों, इस तरह मात्र 21 साल की उम्र में प्रीतिलता वालेदार ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, यदि आप चाहते हो आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। मैं इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।